नमस्कार। उत्तराखंड विज्ञान शिक्षा अनुसंधान केंद्र में आपका स्वागत है। हम लोगों का एक कार्यक्रम है जिसके माध्यम से हम जो व्याख्यान हैं उन विभिन्न व्याख्यान को हम उसका इलेक्ट्रॉनिफिकेशन करके उनका ई कंटेंट जनरेट करना चाहते हैं, और इसके लिए हमारे विभिन्न विषय विशेषज्ञ पूरे जो राज्य से हैं और राष्ट्रीय स्तर के वैज्ञानिक हैं उनको हम यहाँ पर आमंत्रित करते हैं। उनके द्वारा ये व्याख्यान दिए जा रहे हैं और इसका अभिप्राय यह है कि ये इस प्रदेश के कोने कोने में हम विद्यार्थियों के पास ले जा सकें, ताकि ये चाहे मोबाइल के माध्यम से हो, चाहे उनके हैंडहेल्ड डिवाइसेस में हो, कंप्यूटर्स में हो, ये उसको देख भी सकें और इसके द्वारा विज्ञान के प्रति अभिरुचि जागृत हो सके। मैं आपका बहुत स्वागत करता हूँ। एल्गी की डाइवर्सिटी हैबिटेट में, हैबिट में और रिप्रोडक्शन में देखने के बाद वी विल नाउ डिस्कस द क्लासिफिकेशन, क्योंकि हमें ये जानना है कि एल्गी के कितने ग्रुप्स हैं, कितने तरह की एल्गी हमें मिलती है। तो ये जो क्लासिफिकेशन की हम बात करते हैं, ये इस वजह से हम क्लासिफाई करते हैं प्लांट्स को, क्योंकि मिलियंस ऑफ प्लांट्स हैं। प्लांट्स को डिवाइड करने के लिए ये जरूरी है कि हम उनके कुछ सिमिलर कैरेक्टर्स को एक साथ लें और सिमिलरिटी के बेस पर उनको एक ग्रुप में रखें फॉर द सेक ऑफ अवर कन्वीनियंस। अदरवाइज इतने सारे एल्गी या जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उनको हैफेजर्ड पढ़ने के लिए बहुत मुश्किल होता है कि हम उनके डिफरेंट कैरेक्टर्स को पढ़ सकें, उनके रिप्रोडक्शन को पढ़ सकें। तो अपनी सहूलियत के लिए और उनको ऑर्गेनाइज तरीके से पढ़ने के लिए क्लासिफिकेशन बहुत जरूरी है। प्लांट्स का ये वाली ब्रांच जिसमें हम पौधों को क्लासिफाई करते हैं उसको हम टैक्सोनॉमी कहते हैं। अगर हम एल्गी को क्लासिफाई कर रहे हैं तो एल्गल टैक्सोनॉमी इसको हम कहेंगे। आपको मालूम है कि एल्गी को हम फाइकोलॉजी, स्टडी ऑफ एल्गी इज नोन एज फाइकोलॉजी, और जो लोग इस एल्गी में काम करते हैं वो फाइकोलॉजिस्ट। अगर वो टैक्सोनॉमी में काम कर रहे हैं तो वो ऐसे फाइकोलॉजिस्ट हैं जो एल्गी की टैक्सोनॉमी में काम कर रहे हैं। अब ये क्लासिफिकेशन के बारे में, हमें 30,000 से लेके 1,000,000 तक एल्गी हैं जिसका अभी पूरा तरीके से एस्टिमेट नहीं ठीक से मालूम है, क्योंकि कुछ एल्गी अभी तक आइडेंटिफाई नहीं है। कुछ एल्गी के बारे में कंट्रोवर्सी है कि वो प्लांट्स हैं कि एनिमल्स हैं। उनमें से कुछ एल्गी को हम जूलॉजी में भी पढ़ते हैं क्योंकि वो उनमें कुछ कैरेक्टर्स एनिमल्स के भी होते हैं, लेकिन बॉटनी में भी हम उन एल्गी को रख रहे हैं, जैसे कि यूग्लिना है। तो इसलिए इनको क्लासिफाई करने के लिए, कैसे हम इनको क्लासिफाई करेंगे, क्योंकि कुछ कैरेक्टर्स हम इनके एक साथ लेंगे जिसमें कई सारे क्राइटेरिया हैं, और कितने ही सारे अलग अलग बॉटनिस्ट ने जो एल्गल टैक्सोनॉमी में काम करते हैं उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया डिफरेंट क्राइटेरिया को लेके। तो जो मेन क्राइटेरिया है एल्गी के क्लासिफिकेशन में, जनरली 5 ऐसे क्राइटेरिया हैं जिनके बेस पर हम एल्गी को उनके डिफरेंट क्लासेस में या डिफरेंट डिविजन्स में रखते हैं। कुछ लोगों ने डिविजन्स में डिवाइड किया, कुछ लोगों ने फाइला में डिवाइड किया, उसके बाद क्लास में डिवाइड किया। तो ये अपने अपनी थिंकिंग या अपने अपने व्यूज के हिसाब से एल्गी को क्लासिफिकेशन, एल्गी का क्लासिफिकेशन किया है। तो जो 5 क्राइटेरिया है एल्गी के क्लासिफिकेशन के लिए, वो सबसे पहले उनकी हैबिटेट और हैबिट के बेस पर। दूसरा क्राइटेरिया है पिगमेंट कंस्टिट्यूशन। तीसरा क्राइटेरिया है रिजर्व फूड। चौथा क्राइटेरिया है उनका सेल स्ट्रक्चर। पांचवा क्राइटेरिया है फ्लैजेला। इन 5 जो क्राइटेरिया है इनसे मतलब ये है कि नंबर 1 हैबिटेट एंड हैबिट,
वो सारे एल्गी जो या तो फ्रेश वाटर हैं या मैरीन हैं या जिनका स्ट्रक्चर एक सेल के फॉर्म में है, उसको भी क्राइटेरिया का बेस बनाया है कि अगर किसी की कोई एल्गी फ्रेश वाटर ही है तो उसको एक ग्रुप में रखा है, और जो एल्गी मैरीन वाटर में मिलती है उसको दूसरे ग्रुप में रखा है। ये इतना इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया नहीं माना जाता है कंपेयर टू दीज फोर। पिगमेंट कंस्टिट्यूशन से मतलब ये है कि आपको मालूम है एल्गी दे आर ऑटोट्रॉफ्स बिकॉज दे हैव क्लोरोफिल। क्लोरोफिल पिगमेंट होता है जिससे वो अपना खाना खुद ही मैन्युफैक्चर करते हैं सनलाइट में। तो पिगमेंट कंस्टिट्यूशन उसमें किस तरह का है, पिगमेंट कंस्टिट्यूशन के लिए ये इसकी नॉलेज होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मेन पिगमेंट क्या है, क्लोरोफिल। क्लोरोफिल इज द मेन पिगमेंट एंड क्लोरोफिल्स आर नॉट ओनली जस्ट वन पिगमेंट, इट इज ऑफ डिफरेंट टाइप्स। क्लोरोफिल कई तरह के होते हैं, क्लोरोफिल ए बी सी डी ई। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि इसमें से क्लोरोफिल ए जो है, क्योंकि ग्रीन एल्गी है, सारी के सारी एल्गी ग्रीन है, क्लोरोफिल ए इज यूनिवर्सली प्रेजेंट। अगर क्लोरोफिल ए नहीं है तो फोटोसिंथेसिस पॉसिबल नहीं है, बिकॉज दिस क्लोरोफिल पार्टिसिपेट्स इन फोटोसिंथेसिस। मैन्युफैक्चर फूड के मैन्युफैक्चर के लिए क्लोरोफिल ए का होना जरूरी है। तो ये दिस इज फाउंड इन ऑल द एल्गी, वेयर एज बी सी डी एंड ई आर फाउंड इन डिफरेंट एल्गी। किसी में अगर क्लोरोफिल बी प्रेजेंट है ए के अलावा तो दूसरी एल्गी में सी प्रेजेंट होगा, किसी में डी प्रेजेंट होगा, किसी में ई प्रेजेंट होगा। तो ये हमको देखना होता है कि इसमें क्लोरोफिल ए के अलावा बी प्रेजेंट है कि सी प्रेजेंट है। जैसे फॉर एग्जांपल डी प्रेजेंस ऑफ डी इन एडिशन टू क्लोरोफिल ए इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ रोडोफाइसी, रेड एल्गी का कैरेक्टरिस्टिक फीचर है। क्लोरोफिल के अलावा इन ग्रीन प्लांट्स में या एल्गी में कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स होते हैं, दूसरे पिगमेंट्स हैं कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स। कैरोटीनॉइड पिगमेंट इज ए कलेक्टिव टर्म फॉर टू डिफरेंट पिगमेंट्स। कैरोटीनॉइड्स आर ऑफ टू टाइप्स, कैरोटीन्स एंड ज़ेंथोफिल्स। ज़ेंथोफिल पिगमेंट्स ये दो पिगमेंट्स जो हैं, ये तो ग्रीन पिगमेंट है क्लोरोफिल। कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स दे आर येलो एंड ऑरेंज पिगमेंट्स, एंड दीज कैरोटीन्स आर येलो, ज़ेंथोफिल्स आर ऑरेंज पिगमेंट। कैरोटीन्स को फिर से डिवाइड किया है अल्फा बीटा गामा ई कैरोटीन, ये तीन चार तरह के कैरोटीन्स हैं। तो हमें ये भी देखना होता है कि एक पर्टिकुलर एल्गा में अगर हम कोई एल्गा को डिस्कवर करते हैं तो उसको हमें डिवाइड करने के लिए, उसको क्लासिफाई करने के लिए हमें कौन सा कैरोटीन उसमें प्रेजेंट है। अगर क्लोरोफिल ए है और अल्फा कैरोटीन है, दैट शुड बी प्लेस्ड इन वन ग्रुप। तो ये कैरोटीन्स की प्रेजेंस एब्सेंस, कौन सा कैरोटीन है, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है क्लासिफिकेशन के लिए। ज़ेंथोफिल्स जो पिगमेंट्स हैं, ऑरेंज पिगमेंट्स, देर एटलीस्ट 20 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ज़ेंथोफिल्स। जैसे टेराज़ेंथिन, मेनी ज़ेंथोफिल्स आर प्रेजेंट, टेराज़ेंथिन, नियोज़ेंथिन, सो मेनी नियोज़ेंथिन, ज़ेंथिन एंड मेनी मोर, कई सारे हैं, वायोला ज़ेंथिन, बहुत सारे ज़ेंथोफिल्स हैं। तो इनकी प्रेजेंस को हमें टेस्ट करना पड़ता है कि वेदर दैट पर्टिकुलर एल्गा कंटेन्स टेराज़ेंथिन, नियोज़ेंथिन, और फिर हमें उसको क्लासिफाई करना पड़ता। सपोज इफ एन एल्गा हैज क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन एंड वन ऑफ दीज ज़ेंथोफिल्स, तो वो हमें एक क्राइटेरिया मिल जाएगा कि इस एल्गा को हम इस क्लास में रखें। तो दीज आर द क्राइटेरिया। इनके अलावा क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स के अलावा एक्सेसरी पिगमेंट्स भी एल्गी में मिलते हैं, जिनको हम फाइकोबायलिन पिगमेंट्स कहते हैं। फाइकोबायलिन पिगमेंट्स हैं, जिनको बाइलोप्रोटीन भी कहा जाता है। ये बाइलोप्रोटीन पिगमेंट्स या फाइकोबायलिन पिगमेंट्स दो तरह के हैं, फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग फीचर है कि फाइकोइरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन, इनको कलेक्टिवली हम फाइकोबायलिन पिगमेंट्स कहते हैं। सिर्फ दो ग्रुप्स ऐसे हैं एल्गी में
साइनोफाइसी एंड रोटोफाइसी, जहां पर हमें क्लोरोफिल और कैरोटीनॉइड पिगमेंट्स के. सो दिस फाइकोपाइलिन पिगमेंट्स, दे आर ऑफ टू टाइप्स, फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन. फाइकोएरिथ्रिन एंड फाइकोसाइनिन को कलेक्टिवली हम बाइलोप्रोटीन या फाइकोपाइलिन्स कहते हैं. ये सिर्फ एल्गी में दो ग्रुप्स में मिलते हैं, रोटोफाइसी एंड साइनोफाइसी. तो अगर ये हमें किसी एल्गा में मिला, हमें नया एल्गा मिला है, उसमें हमें फाइकोसाइनिन और फाइकोएरिथ्रिन का टेस्ट पॉजिटिव आता है, तो इतना हम श्योर हो जाते हैं कि आइदर इट बिलोंग्स टू रोडोफाइसी और टू साइनोफाइसी. उनके अलावा ये किसी ग्रुप में नहीं मिलते. तो ये क्राइटेरिया बड़ा इंटरेस्टिंग और इम्पोर्टेंट क्राइटेरिया है, पिगमेंट कंस्टिट्यूशन कैसा है. इसके अलावा रिजर्व फूड मटेरियल. रिजर्व फूड मटेरियल से मतलब क्या है? जनरली एल्गी के केस में रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च, बट इन सम एल्गी देर आर सम अदर केमिकल्स विच आर प्रेजेंट इन एडिशन टू स्टार्च और इंस्टेड ऑफ स्टार्च. फॉर एग्जाम्पल इन रोडोफाइसी there is a different kind of starch which is known as floridian starch. floridian starch bada interesting hai ki agar hame floridian starch ka test positive aaya hai ek alga mein to ye jo alga hai wo hamesha red algae hoga. iske alawa kuch algae aisi hain jisme oil के फॉर्म में रिजर्व फूड मटेरियल होता है. बैसिलेरियोफाइसी है या कुछ और ग्रुप्स हैं जिसमें हमें ऑयल या फैट के फॉर्म में रिजर्व फूड मटेरियल होता है, तो वो भी एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है एल्गी को क्लासिफाई करने के लिए. और आल्जिनिक एसिड एंड मैनिटॉल, कई तरह के आल्जिनिक एसिड सेल वॉल में होता है, सेल वॉल कंस्टिट्यूशन है. उसके अलावा जो मैनिटॉल एंड लेमिनेरिन, दो अगर रिजर्व फूड मटेरियल है लेमिनेरिन एंड मैनिटॉल. दिस इज एन अल्कोहल. मैनिटॉल इज एन अल्कोहल. लेमिनेरिन पॉलीसेकेराइड है. जिस ग्रुप में ये मिलता है तो वो हमेशा फियोफाइसी वाला ग्रुप होता है, ब्राउन एल्गी में हमेशा मिलता है, तो ये किसी क्लोरोफाइसी में नहीं मिलेगा. तो दीज आर द क्राइटेरिया विच डिसाइड द प्लेस ऑफ एन एल्गा. एल्गा को हम कहां रखेंगे? सेल स्ट्रक्चर हमने कहा नंबर फोर. सेल स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि प्लांट्स को डिवाइड किया है कुछ लोगों ने ऑन द बेसिस ऑफ देयर न्यूक्लियर मटेरियल, प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स. प्रोकैरियोटिक एल्गी वो एल्गी हैं जिनमें न्यूक्लियस इंसिपिएंट होता है. इंसिपिएंट मींस नॉट वेल डिफाइंड. न्यूक्लियस आपने देखा है इस तरह का एक स्ट्रक्चर है जिसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है. इफ दिस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन इज एब्सेंट, खाली एक सेल के अंदर अगर सिर्फ न्यूक्लियर मटेरियल इस तरह से स्कैटर्ड है, तो इसका मतलब है इट इज नॉट ए वेल डिफाइंड न्यूक्लियस. उन एल्गी में जिसमें वेल डिफाइंड न्यूक्लियस नहीं होता, उन सबको हम उनको रखते हैं हम प्रोकैरियोटिक में. तो प्रोकैरियोटिक एल्गी भी होती हैं. जो साइनोफाइसी के मेंबर्स हैं दे आर प्रोकैरियोटिक. और अगर उसमें इस तरह का सेल स्ट्रक्चर है, दैट इज अनदर क्राइटेरिया to divide algae in a different group. Flagella, flagellas in some algae, flagella are present, in some other algae, flagella are absent. For example, cyanophysae and rhodophysae, they don't show any kind of flagella in their life cycle. तो ये दो groups में कभी भी आपको flagella नहीं मिलेंगे. इसके अलावा एक और criteria हम देखते हैं, cell wall constitution. Cell wall में क्या material है? सेल वॉल इज ऑलवेज मेड अप ऑफ सेल्यूलोज इन एल्गी, लेकिन कुछ ग्रुप्स ऐसे हैं जिसमें कि सेल्यूलोज के अलावा या सेल्यूलोज के बदले म्यूकोपेप्टाइड कॉम्पोनेंट होता है. म्यूकोपेप्टाइड कॉम्पोनेंट इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ ब्लू ग्रीन एल्गी. ब्लू ग्रीन एल्गी में अगर आपको कहीं तालाब से आप एक एल्गा ले आए, उसको आइडेंटिफाई करने की कोशिश करेंगे, तो इन सब क्राइटेरिया को हमें देखना पड़ेगा. अगर म्यूकोपेप्टाइड कंपोनेंट आपको सेल वॉल में मिल रहा है, तो वो किसी और ग्रुप को बिलोंग नहीं कर सकता, वो हमेशा ब्लू ग्रीन एल्गी का ही मेंबर होगा, साइनोफाइसी का. तो ये सारे आल्जिनिक एसिड अगर आपको सेल वॉल में मिल रहा है, टेस्ट में आपको मिल रहा है, तो वो फियोफाइसी ब्राउन एल्गी का मेंबर होगा. वो किसी आल्जिनिक एसिड फ्यूसिनिक एसिड किसी और ग्रुप में नहीं मिलता. तो कहने का मतलब ये है कि किसी भी एल्गा को क्लासिफाई करने के लिए वी हैव टू टेक सम सर्टेन क्राइटेरिया, एंड दीज आर द मेन क्राइटेरिया
the cell wall constitution, cell structure, flagella, reserve food material, pigment constitution, habit and habitat. Habit and habitat is not so important, but other criteria are very important in classification. Besides this, there are, आप ऐसे ही किसी एल्गा को क्लासिफाई नहीं कर सकते. इफ यू फाइंड एन अननोन एल्गा, आप उसको क्लासिफिकेशन उसका करेंगे तो अपनी मर्जी से क्लासिफिकेशन नहीं कर सकते. यू हैव टू फॉलो सर्टेन रूल्स, एंड सर्टेन रूल्स आर गिवन बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर. इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर डिसाइड करता है कि आप कौन से रूल्स फॉलो करेंगे. ये ICBN इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ICBN मींस इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर, ये डिसाइड करते हैं. ये डिसाइड करता है कि आपको अगर एक एल्गा को डिवीजन में दिखाना है उसका, तो आप उसके आगे एक सफिक्स लगाओगे, फाइटा. ये दीज आर द सफिक्सेस फिक्स्ड बाय इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटानिकल नोमेनक्लेचर. फाइटा जहां पर लगा होगा इसका मतलब है इट डिनोट्स द डिवीजन. एंड फाइसी अगर आप लगाओगे दैट मींस इट इज ए क्लास. अगर आप फाइसीडी लगाओगे, फाइसीडी इट इज सब क्लास. और अगर उसके पीछे सफिक्स लगा होगा एल्स, उडोगोनियल्स अगर हम कह रहे हैं, तो एल्स का मतलब है दिस डिनोट्स ऑर्डर. उसका ऑर्डर क्लासिफिकेशन में ऑर्डर, क्लास, डिवीजन ये सारे होते हैं. इनेल्स, अगर हम इनेल्स लगा हुआ है, इनेल्स का मतलब है सब ऑर्डर. एंड द नेम, द जीनस नेम, क्लेमाइडोमोनास हमने कहा, एक जीनस का नाम हमने क्लेमाइडोमोनास कहा. दैट इज ऑलवेज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड. क्लेमाइडोमोनास या वॉलवॉक्स हम कह रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास नाम हमने लिया, तो ये इसका मतलब है कि इट इज ए ग्रीक, डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड. यस, अ ग्रीक नेम फॉर द जीनस एंड ए लैटिन नेम फॉर द स्पीसीज. फॉर एग्जाम्पल, क्लेमाइडोमोनास इज डिराइव्ड फ्रॉम ए ग्रीक वर्ड, एंड इफ द स्पीसीज वी से द कॉक्सीफेरा, क्लेमाइडोमोनास कॉक्सीफेरा, दिस वर्ड इज डिराइव्ड फ्रॉम अ लैटिन वर्ड. दीज आर द रूल्स फॉर क्लासिफिकेशन. सो देर आर सो मेनी डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन पुट फोर्थ बाई डिफरेंट फाइकोलॉजिस्ट. उन फाइकोलॉजिस्ट के नाम आपके नॉलेज में होने चाहिए. एंड आई शो यू द डिफरेंट स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन. यू विल फाइंड इट डिफिकल्ट टू रिमेंबर, बट देर आर डिफरेंट क्राइटेरिया विच वर गिवन इम्पोर्टेंस बाई डिफरेंट फाइकोलॉजिस्ट. अलग अलग फाइकोलॉजिस्ट ने अलग अलग चीजों को इम्पोर्टेंस दी है. कुछ ने इस पॉइंट को कि सेल स्ट्रक्चर कैसा है, प्रोकैरियोटिक है या यूकैरियोटिक है, उस पर ज्यादा इम्फेसिस दी. किसी ने पिगमेंट कंस्टिट्यूशन को ज्यादा इम्पोर्टेंस दी. उसके बेस पर अपने अपने क्राइटेरिया दिए और कई स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन दी. तो कैन आई हैव फर्स्ट स्लाइड प्लीज, फर्स्ट स्लाइड. दिस स्लाइड शोज द क्राइटेरिया फॉर क्लासिफिकेशन विच वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड. पिगमेंट कंस्टिट्यूशन ऑफ सेल, केमिकल नेचर ऑफ स्टोर्ड मटेरियल, काइंड, नंबर एंड पॉइंट ऑफ इंसर्शन ऑफ फ्लैजेला, केमिकल कंपोजिशन ऑफ सेल वॉल, एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ डेफिनेटली ऑर्गेनाइज न्यूक्लियस. सफिक्सेस के बारे में हमने बात कर ली है पहले ही, कि ये कौन से सफिक्सेस हमें इंटरनेशनल कोड ऑफ बोटेनिकल नोमेनक्लेचर में लगते हैं. नाउ ये थोड़ा सा बैकग्राउंड क्लासिफिकेशन का है. सबसे पहले एरिस्टोटल एंड थियोफ्रास्टस ने जो प्लांट किंगडम है या प्लांट्स हैं उनको ट्री, शर्ब्स एंड हर्ब्स में डिवाइड किया था. यहाँ पर थोड़ी गलती है, 382 को के आगे 322 BC है, नॉट 822 BC, उसको करेक्शन करना है. इसके बाद कार्ल लीनियस जो फेमस बॉटनिस्ट थे, इन्होंने सबसे 25 ऑर्डर्स में प्लांट्स को डिवाइड किया, जिसमें से क्रिप्टोगेमिया जो ऑर्डर था उसको उन्होंने चार सब ऑर्डर्स में डिवाइड करा. एक टेरिडोफाइट्स के लिए उन्होंने फिलिकेल्स या फिलिसेज कई लोग कहते हैं उसमें डिवाइड किया. दूसरा मसाई में उन्होंने ब्रायोफाइट्स को रखा. फिर एल्गी थर्ड ग्रुप में एल्गी को रखा और फिर फंजाई को रखा. पहला जो नेचुरल सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन था दैट वॉज जुस्सा, उन्होंने सबसे पहले
दिया और उन्होंने 18th सेंचुरी में पहला सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन फर्स्ट टाइम दिया, जिन्होंने प्लांट्स को तीन पार्ट्स में डिवाइड किया, ए कॉटिलेडन्स, मोनोकॉटिलेडन्स एंड डाइकॉटिलेडन्स। तो मोनोकॉटिलेडन्स और डाइकॉटिलेडन्स के अलावा जो ए कॉटिलेडन्स था उसके अंदर एल्गी नाम के सारे प्लांट्स उसके अंदर रखे। उसके बाद कई सारे साइंटिस्ट ने डिफरेंट स्कीम्स को दिखा के प्लांट्स को डिवाइड किया, कई सारे उनकी हैबिटेट, पिगमेंट, फाइलोजेनी और इंटर रिलेशनशिप को देख के। तो पाश्चर का पहला क्लासिफिकेशन था, फर्स्ट टाइम उन्होंने दिखाया 1914 में। इतना पुराना क्लासिफिकेशन है जिसमें उन्होंने इन आठ ग्रुप्स में उनको एल्गी को डिवाइड किया। किस बेस पर? उनकी फाइलोजेनी। फाइलोजेनी का मतलब है उनकी इवोल्यूशनरी ट्रेंड को देखते हुए, इवोल्यूशन उनका कैसे हुआ, किसका किसका साथ साथ हुआ। उस फाइलोजेनी के बेस पर उन्होंने एल्गी को इन आठ डिविजन्स में डिवाइड किया। क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा, पायरोफाइटा, यूडेनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, रोडोफाइटा एंड साइनोफाइटा। फिर उसके डिफरेंट क्लासेस में उनको फर्दर डिवाइड किया। नाउ सेकेंड वेरी इंपॉर्टेंट क्लासिफिकेशन वॉज गिवन बाई फ्रिज। फ्रिज वॉज वेरी इंपॉर्टेंट पर्सन एंड ही गेव वेरी कॉम्प्रिहेंसिव एंड ऑथेंटिक क्लासिफिकेशन। और उन्होंने डिवाइड किया एल्गी को 11 क्लासेस में, डायरेक्ट उन्होंने क्लासेस में डिवाइड कर दिया। ये 11 क्लासेस हैं जिनमें उन्होंने क्लोरोफाइसी, जेंथोफाइसी, क्राइसोफाइसी, बेसिलेरियोफाइसी, क्रिप्टोफाइसी, डायनोफाइसी, क्लोरोमोनाडिनी, यूग्लिनिनी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी, मिक्सोफाइसी जिसको हम कहते हैं साइनोफाइसी भी, इतने क्लासेस में उन्होंने 11 क्लासेस में डिवाइड किया। इनका क्लासिफिकेशन बहुत टाइम तक लोगों ने फॉलो किया क्योंकि इन्होंने जो क्राइटेरिया लिए थे वो पिगमेंट कंस्टिट्यूशन, केमिकल नेचर ऑफ रिजर्व फूड मटेरियल और फ्लैजेला, नंबर ऑफ फ्लैजेला एंड प्रेजेंस एंड एब्सेंस ऑफ ऑर्गेनाइज्ड न्यूक्लियस। नंबर ऑफ फ्लैजेला के बारे में जब बात हम करेंगे तो फ्लैजेला का नंबर क्या है कि किसी एल्गी में दो ही फ्लैजेला होते हैं। आज हमने रिप्रोडक्शन के टाइम में ये डिस्कस किया था कि किसी में चार फ्लैजेला होते हैं, कोई एल्गी में मल्टीफ्लैजेलेट स्ट्रक्चर होते हैं। और उनकी पोजीशन भी बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्या वो एंटीरियर है या वो लेटरल साइड में इंसर्टेड है। किसी एल्गी में वो लेटरल साइड से लगे होते हैं, किसी में एंटीरियर पार्ट पर लगे होते हैं। तो ये सारे क्राइटेरिया फ्रिज ने अपनी क्लासिफिकेशन में लिए और ये 11 क्लासेस में डिवाइड किया। ये क्लासिफिकेशन कुछ टाइम तक लोगों ने फॉलो किया, फिर नए नए क्लासिफिकेशन शुरू हो गए। 1955 में पेपनफस ने एक नया क्लासिफिकेशन दिया जिसमें उन्होंने 8 फाइला में, क्लास के बदले उन्होंने एल्गी को 8 फाइला में डिवाइड किया। ये 8 फाइला हैं जो कि 12 क्लासेस में फर्दर डिवाइड हुए। क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा, शाइजोफाइटा एंड रोडोफाइकोफाइटा। ये क्लासिफिकेशन लगातार क्यों नहीं चलते रहे? क्योंकि हर बॉटनिस्ट के व्यूज या हर फाइकोलॉजिस्ट के व्यूज अलग अलग थे। किसी ने कहा कि इसके सफिक्सेस ठीक नहीं है, किसी ने कहा कि ये क्राइटेरिया सही नहीं है, फाइलोजेनेटिक रिलेशनशिप इंपॉर्टेंट नहीं है बल्कि फ्लैजेला इंपॉर्टेंट है, किसी ने कहा कि प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए ये क्लासिफिकेशन, एक फिक्स क्लासिफिकेशन लोगों ने फॉलो नहीं किया। पेपनफस के साथ साथ ही 1955 में जीएम स्मिथ, ये यू मस्ट रिमेम्बर ऑल दीज नेम्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। जीएम स्मिथ वॉज वेरी फेमस फाइकोलॉजिस्ट। इन्होंने जो क्लासिफिकेशन दिया था, पाश्चर ने जो क्लासिफिकेशन शुरू में दिया उसी को उन्होंने थोड़ा मॉडिफाई करा और उन्होंने एल्गी को 7 डिविजन्स में डिवाइड कर दिया। उन 7 डिविजन्स को फर्दर फिर क्लासेस में डिवाइड किया। तो 7 डिविजन्स जो थे, क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, क्राइसोफाइटा, फियोफाइटा, साइनोफाइटा एंड रोडोफाइटा, ये 7 डिविजन्स में उन्होंने डिवाइड किया था। देन केम द क्लासिफिकेशन ऑफ चैपमैन। कुछ टाइम के बाद लोगों ने कहा कि नहीं, ये पुराने क्लासिफिकेशन ठीक नहीं है, हमारा क्लासिफिकेशन बेटर है। तो 1962 में जो चैपमैन ने क्लासिफिकेशन दिया, ही अगेन डिवाइडेड एल्गी इनटू फाइला, फर्स्ट इनटू फाइला एंड दीज फाइला वर डिवाइडेड इनटू 3 or 4 क्लासेस। तो इनके जो फाइला थे वो इन्होंने 4 फाइला में डिवाइड किया और इन्होंने फाइको फाइटा सफिक्स लगाया। पहला जो इनका फाइलम था यू फाइको फाइटा, विच वॉज डिवाइडेड इंटू 4 क्लासेस
कैरोफाइटा, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी. देन सेकेंड फाइलम वॉज मिक्सोफाइकोफाइटा, ओनली वन क्लास वॉज इंक्लूडेड इन इट, मिक्सोफाइसी. देन क्राइसोफाइकोफाइटा, थ्री क्लासेज वर इंक्लूडेड इन क्राइसोफाइकोफाइटा, एंड द लास्ट वन वॉज पायरोफाइकोफाइटा, इन विच क्रिप्टोफाइसी एंड डायनोफाइसी वर इंक्लूडेड. तो इनका भी जो क्राइटेरिया था क्लासिफिकेशन का, वो उनके पिगमेंट और बायोकेमिकल डिफरेंसेस और मॉर्फोलॉजिकल हैबिट एंड हैबिटेट के बेस पर इन्होंने चैपमैन ने दिया. तो ये कुछ टाइम के बाद पुराना क्लासिफिकेशन माना गया. देन प्रेस्कॉट इन 1969 ही गेव मोर एम्फेसिस ऑन द प्रेजेंस और एब्सेंस ऑफ ट्रू न्यूक्लियस. उन्होंने कहा बाकी चीजें सेकेंडरी हैं, सिर्फ न्यूक्लियस ज्यादा इम्पोर्टेंट है कि किसी में ट्रू न्यूक्लियस है या इंसिपिएंट न्यूक्लियस है. उसके बेस पर उन्होंने अपना क्लासिफिकेशन दिया. उसके अलावा उन्होंने कुछ कैरेक्टर्स और लिए, पिगमेंट्स, रिजर्व फूड मटेरियल, और एल्गी को उन्होंने 9 फाइला में डिवाइड किया. फिर उन्होंने फाइला टर्म यूज किया और ये फाइला फिर से क्लासेस में डिवाइड हुए, जिसमें कि क्लोरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, क्राइसोफाइटा, पायरोफाइटा, फियोफाइटा, रोडोफाइटा, साइनोफाइटा एंड क्रिप्टोफाइटा एंड क्लाइटोमोनाडोफाइटा. इतने फाइला में डिवाइड किया एंड देवर फर्दर डिवाइडेड इन टू क्लासेस. एंड आफ्टर दैट देर आर सो मेनी अदर स्कीम्स ऑफ क्लासिफिकेशन विच आई हैव नॉट इंक्लूडेड हियर, क्योंकि वो बहुत सारी स्कीम्स हैं क्लासिफिकेशन की. ओस्ट वर्ल्ड की है, बहुत सारे लोगों ने क्लासिफिकेशन दिया. लेकिन जो मॉडर्न क्लासिफिकेशन है, आजकल जो हम फॉलो करते हैं, उसमें मॉडर्न फाइकोलॉजिस्ट ने इनको, एल्गी को 11 डिविजन्स में डिवाइड किया है, और फिर वो 11 डिवीजन को फर्दर क्लासेस में डिवाइड किया. तो ये 11 डिवीजन क्या है? साइनोफाइटा, क्लोरोफाइटा, कैरोफाइटा, यूग्लिनोफाइटा, पायरोफाइटा, जेंथोफाइटा, बेसिलेरियोफाइटा, क्राइसोफाइटा, क्रिप्टोफाइटा, फियोफाइटा एंड रोडोफाइटा. एंड फर्दर यू कैन सी द क्लासेस इन ईच डिवीजन. नाउ साइनोफाइटा को अगर हम देखें, थोड़ा इनके बारे में जानना जरूरी है कि अब हम पहला जो क्लास डिवीजन है साइनोफाइटा, इट इज ऑल्सो नोन एज मिक्सोफाइटा एंड कॉमनली नोन एज ब्लू ग्रीन एल्गी. अब ये ब्लू ग्रीन एल्गी इनको क्यों कहते हैं? क्योंकि इसमें ये ज्यादातर फ्रेश वाटर एल्गी हैं, बहुत सिंपल थैलस है. ये डायग्राम्स आपको दिखाई पड़ रहे हैं ये ब्लू ग्रीन एल्गी के. इनके कुछ कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं, जिसमें प्रोमिनेंट कैरेक्टरिस्टिक फीचर क्या है कि इनकी सेल वॉल में सेल्यूलोज के बदले म्यूकोपेप्टाइड कॉम्पोनेंट होता है. सेल वॉल बड़ी कैरेक्टरिस्टिक है जिसमें कि म्यूकोपेप्टाइड कॉम्पोनेंट है. सेल स्ट्रक्चर प्रोकैरियोटिक है, दैट मीन्स नो क्लियर कट न्यूक्लियस. न्यूक्लियस इज इंसिपिएंट, नॉट वेल डिफाइंड न्यूक्लियस, एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट है, इसलिए इसको हम इंसिपिएंट न्यूक्लियस कह रहे हैं. पिगमेंट्स में इसमें क्लोरोफिल ए, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, क्लोरोफिल ए होता है, बीटा कैरोटीन होता है, और बड़े यूनिक जेंथोफिल हैं जिनके नाम है मिक्सोजेंथिन एंड मिक्सोजेंथोफिल. इन एडिशन इसमें फाइकोबाइलिन पिगमेंट्स, विच वी जस्ट डिस्कस्ड, फाइकोबाइलिन पिगमेंट्स सी फाइकोसाइनिन एंड सी फाइकोएरिथ्रिन आर प्रेजेंट. क्योंकि सी फाइकोसाइनिन की क्वांटिटी ज्यादा होती है, सी फाइकोसाइनिन इज ए ब्लू पिगमेंट, ब्लू पिगमेंट की क्वांटिटी ज्यादा होती है और ग्रीन पिगमेंट आता है क्लोरोफिल से, इसलिए ये एल्गी देखने में ब्लू ग्रीन एल्गी दिखाई पड़ती है, कलर में ब्लू ग्रीन दिखती है, इसलिए इनको कॉमनली हम ब्लू ग्रीन एल्गी कहते हैं. रिजर्व फूड मटेरियल इसमें मिक्सोफाइसियन स्टार्च होता है, एक नए तरह का स्टार्च है जिसको मिक्सोफाइसियन स्टार्च, और एक प्रोटीन भी इसमें रिजर्व फूड है जिसको हम कहते हैं साइनोफाइसिन या मिक्सोफाइसिन. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टोटली एब्सेंट, नो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन दिस ग्रुप. तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ दिस ग्रुप. एंड मोटाइल सेल्स आर नेवर प्रेजेंट, कभी मोटाइल सेल्स इसमें फ्लैजेला कभी दिखाई नहीं पड़ेंगे. द मेजर ग्रुप, सेकेंड ग्रुप विच इज द लार्जेस्ट ग्रुप, सबसे बड़ा ग्रुप क्लोरोफाइसी है जिनको ग्रीन एल्गी कहते हैं. दीज ग्रीन एल्गी आर यूबिक्विटस इन डिस्ट्रीब्यूशन, मोस्ट ऑफ देम दे आर फाउंड इन फ्रेश वाटर. कुछ इसमें टेरेस्ट्रियल होती हैं, लैंड में रहती हैं, और बहुत कम ऐसी हैं जो समुद्र के पानी में होती हैं. सेल वॉल इसमें सेल्यूलोज की बनी होती है. यूकैरियोटिक एल्गी हैं, यूकैरियोटिक एल्गी, अब सारी एल्गी यूकैरियोटिक हैं, एक्सेप्ट जो पहली वाली मिक्सोफाइसी हमने देखा था, वही एक प्रोकैरियोटिक एल्गी है. पिगमेंट कंस्टिट्यूशन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी,
अल्फा एंड बीटा कैरोटीन एंड मैनी जैंथोफिल्स एग्जाम्पल नियोजेंथिन ल्यूटिन साइफोनिन साइफोनोजेंथिन जी जेंथिन वायोला जेंथिन ये सारे इसमें प्रेजेंट होते हैं जो कि और ग्रुप्स में एबसेंट होते हैं. रिजर्व फूड मटेरियल इज स्टार्च. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एज आई टोल्ड यू जस्ट नाउ इन रिप्रोडक्शन लेक्चर आइसोगेमस से लेके ऊगेमस सब तरह का इसमें रिप्रोडक्शन होता है. फ्लैजेला दो होंगे या चार होंगे और वो एंटीरियर होते हैं. विप्लैश टाइप का मतलब क्या है? विप्लैश एक तरह का फ्लैजेला होता है जिसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर होते हैं. वो हेयर लाइक स्ट्रक्चर नहीं होते, सॉरी, विप्लैश फ्लैजेला चाबुक की तरह से होता है. घोड़े की चाबुक आपने देखी है, उस तरह से ये विप्लैश फ्लैजेला होता है. इसी के कंट्रास्ट में दूसरा फ्लैजेला होता है टिंसल टाइप जो इसमें एब्सेंट होता है, उसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं. तो इसमें हेयर लाइक स्ट्रक्चर वाले फ्लैजेला नहीं होते, सिर्फ विप्लैश टाइप के फ्लैजेला होते हैं. थर्ड ग्रुप इज कैरोफाइटा विच इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप एंड दीज आर कॉल्ड स्टोन वर्ड्स एल्गी. इनको कॉमनली हम स्टोन वर्ड्स कहते हैं. क्यों? क्योंकि इसके जो सेल वॉल है उसमें कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स होते हैं, तो सेल वॉल छूने में हार्ड होती है, बड़ी रफ होती है, इसलिए इसको स्टोन वर्ड्स कहा जाता है. तो ये वाली जो एल्गी हैं ये फ्रेश वाटर हैं, स्टिल वाटर जो रुका हुआ पानी है, क्लीन वाटर या सॉफ्ट मड में मिलती हैं. और यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर इसमें है. सेल वॉल में सेल्यूलोज होगा और एक जिलेटिनस लेयर उसके ऊपर से होती है जिसमें कि कैल्शियम कार्बोनेट के क्रिस्टल्स डिपॉजिटेड होते हैं, जिसकी वजह से इनका नाम स्टोन वर्ड इनको हम कहते हैं. पिगमेंट कंस्टिट्यूशन इसमें है क्लोरोफिल ए एंड बी, बीटा एंड गामा कैरोटीन, नॉट अल्फा कैरोटीन बट गामा कैरोटीन इज प्रेजेंट. लाइकोपीन एंड जेंथोफिल्स आर ऑल्सो प्रेजेंट. रिजर्व फूड मटेरियल यहाँ पर फिर स्टार्च के फॉर्म में है. फ्लैजेला दो हैं और एंटीरियर एंड विप्लैश टाइप फ्लैजेला है. रिप्रोडक्शन उगेमस टाइप एज आई टोल्ड यू एडवांस. जैसे हम आगे जाते हैं तो एडवांस एल्गी में हमेशा उगेमस टाइप का रिप्रोडक्शन होता है विच इज कंसिडर्ड टू बी वेरी एडवांस टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन. देर आर मैनी मेथड्स ऑफ वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन एज आई टोल्ड यू एमाइलम स्टार्स एंड मैनी अदर्स एडवेंटिशियस ब्रांचेज ट्यूबर्स बल्बिल्स ये सारे से इसमें वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन होता रहता है. एंड नाउ यूग्लिनोफाइटा इट इज वेरी कंट्रोवर्शियल ग्रुप ऑफ प्लांट्स. इनको जुअलॉजी में भी लोग सोचते हैं कि ये एनिमल्स हैं, तो इसलिए इनके बारे में बहुत अभी तक बहुत कंट्रोवर्सी है वेदर यूग्लिनोफाइटा के मेंबर्स दे आर एनिमल्स और प्लांट्स. दो कि यूग्लिनोफाइटा फ्रेश वाटर या टेरेस्ट्रियल प्लांट्स हैं अगर ये प्लांट्स में माने जाते हैं, क्योंकि बॉटनी वाले इनको प्लांट्स में पढ़ते हैं, जूलॉजी वाले इनको एनिमल्स में पढ़ते हैं. ज्यादातर ग्रीन है, सारे के सारे ग्रीन भी नहीं होते, इसमें क्लोरोफिल एब्सेंट भी होता है. फ्री स्विमिंग है, यूनिसेल्यूलर एंड मोटाइल. मोटाइल मीन्स फ्लैजेला इनमें है. सेल वॉल कंपोज्ड ऑफ स्पाइरल स्ट्रिप्स एंड पेडिकल्स. पिगमेंट इसमें कुछ में पिगमेंट्स एब्सेंट होते हैं, अगर ये प्रेजेंट है तो क्लोरोफिल ए एंड बी, बीटा कैरोटीन और जेंथोफिल्स प्रेजेंट हैं. एंथराजेंथिन इज द पर्टिकुलर जेंथोफिल विच इज फाउंड इन यूग्लिनोफाइटा. रिजर्व फूड मटेरियल इसमें फैट के फॉर्म में है और एक और सब्सटेंस है जिसको हम कहते हैं पैरामाइलम. टू एंटीरियर अनइक्वल फ्लैजेला आर अनइक्वल. दिस इज ऑल्सो ए कैरेक्टरिस्टिक फीचर. एंटीरियर तो है लेकिन वो साइज में बराबर नहीं है. एंड रूटेड विद इन ए कैनाल विच इज नोन एज गलेट और एम्प्यूला जिसको हम कहते हैं. नाउ पायरोफाइटा. पायरोफाइटा इज अगेन ए वेरी कंट्रोवर्शियल ग्रुप एज फार एज देयर सिस्टमेटिक पोजिशन इज कंसर्न, क्योंकि इनको कुछ लोग एनिमल्स मानते हैं, जूलॉजिस्ट बॉटनिस्ट इनको प्लांट्स मानते हैं. मोस्टली ये फ्रेश वाटर है और कुछ इसमें मैरीन प्लैंकटॉन्स हैं. प्लैंकटॉन्स मीन्स फ्रीली फ्लोटिंग ऑन द मैरीन वाटर, समुद्र के ऊपर फ्रीली फ्लोट करते हैं, जिनको हम प्लैंकटॉन्स कहते हैं. यूनिसेल्युलर एल्गी है. क्लोरोफिल ए एंड सी इसमें प्रेजेंट होगा एंड हाई क्वांटिटी ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट. दैट मींस दे अपीयर येलो एंड ऑरेंज इन कलर क्योंकि बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ कैरोटीनॉइड पिगमेंट बीटा कैरोटीन एंड ग्रुप ऑफ जेंथोफिल्स डायनोजेंथिन डायएडिनोजेंथिन. ये इनका कैरेक्टरिस्टिक फीचर है. पेरिडिनिन इज ऑल्सो प्रेजेंट इन दीज एल्गी. फ्यूकोजेंथिन इन सम केसेस फ्यूकोजेंथिन अनदर brown color is also there. Cell wall is made up of cellulose and pellicles.
मोटाइल फॉर्म्स हैव टू फ्लैजेला एंड रिजर्व फूड मटेरियल इन दिस केस इज नॉट सेल्यूलोज बट लिपिड एंड फैट. ये डायग्राम इनका पायरोफाइटा के मेंबर्स इस टाइप के दिखाई पड़ते हैं. इसके बाद हम ज़ेंथोफाइटा में आते हैं जिनको हम येलो ग्रीन एल्गी कहते हैं. दीज आर मोस्टली फ्रेश वाटर, सम आर मैरीन एल्गी. दे शो डाइवर्सिटी इन हैबिटेट्स. कोकोइड मीन्स राउंड है, पामेलॉइड मीन्स दे आर पामेला लाइक कॉलोनियल फॉर्म में होते हैं, या फिर साइफनस होते हैं मीन्स ए ट्यूब लाइक साइफनस हैबिट इनकी है. पिगमेंट में क्लोरोफिल ए एंड ई, अल्फा एंड बीटा कैरोटीन एंड सम अननोन ज़ेंथोफिल्स आर ऑल्सो देयर. रिजर्व फूड मटीरियल इसमें ग्लूकोज का पॉलीमर है, नॉट स्टार्च बट ग्लूकोज का पॉलीमर है जिसको हम कहते हैं ल्यूकोसिन और क्राइसोलेमिनरिन. ये दिस इज द कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ मेंबर्स ऑफ ज़ेंथोफाइटा. अपार्ट फ्रॉम दैट दिस एल्गी ऑल्सो कंटेन ऑयल एज रिजर्व फूड मटीरियल. फ्लैजेला इसमें एक या दो तक फ्लैजेला होते हैं. द टू फ्लैजेला आर अनइक्वल, दे आर नॉट ऑफ द सेम साइज एंड दे आर एंटीरियर. द लार्जर इज पेंटोनिमेटिक. पेंटोनिमेटिक इज द सिनोनिम ऑफ टिंसल. एज आई टोल्ड यू टिंसल मीन्स हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स प्रेजेंट होते हैं फ्लैजेला में, तो उसको हम पेंटोनिमेटिक या टिंसल एक ही बात है. और स्मॉलर वन इज एक्रोनिमेटिक और विप्लैश. एक्रोनिमेटिक मीन्स विदाउट फ्लैजेला, घोड़े की चाबुक की तरह से है. विप्लैश का मतलब चाबुक से है, तो प्लेन फ्लैजेला होते हैं. तो एक तो टिंसल है और एक विप्लैश टाइप है. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रेयरली होता है, अगर होता है किसी में तो आइसोगेमस टाइप का होता है. दोनों जो फ्यूजिंग गेमीट्स हैं दे आर सिमिलर इन साइज एंड शेप. नाउ द वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप बैसिलेरियोफाइटा, इसको हम डायटम्स कलेक्टिवली कहते हैं एंड दीज आर गोल्डन ब्राउन एल्गी. डायटम्स की इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा है क्योंकि इनकी सेल वॉल में सिलिका क्रिस्टल्स होते हैं. अगर सेल वॉल आप इसके देखेंगे तो सिलिका क्रिस्टल है और ये शेल मलस की शेल की तरह से दो हाफ्स में सेल वॉल प्लांट बॉडी डिवाइडेड होती है. ये एक्वेटिक होते हैं. एक्वेटिक मीन्स दे आर आइदर फ्रेश वाटर और मरीन मीन्स समुद्र में रहते हैं. कुछ ही वाली एल्गी टेरेस्ट्रियल भी हैं. तो सेल वॉल सिलिसिफाइड एज आई जस्ट टोल्ड यू एंड प्लांट बॉडी इज डिवाइडेड इनटू टू हाफ्स. थैलस डिप्लॉइड, प्लांट बॉडी डिप्लॉइड भी है, हैप्लॉइड नहीं है. पिगमेंट्स क्लोरोफिल ए एंड सी, बीटा कैरोटीन एंड ई कैरोटीन विच इज एक्सक्लूसिवली फाउंड इन बैसिलेरियोफाइट्स. एक्सक्लूसिवली आई टोल्ड यू व्हाई, बिकॉज ई कैरोटीन और किसी एल्गी के ग्रुप में नहीं मिलता है. ज़ेंथोफिल जो इसमें होंगे वो डायटोमिन ज़ेंथोफिल इसमें प्रेजेंट है जो कि बड़ा स्पेशल ज़ेंथोफिल है और ये फ्यूकोज़ेंथिन से मिलता जुलता ज़ेंथोफिल है. रिजर्व फूड मटेरियल इसमें भी वॉल्यूटिन ग्रेन्यूल या ऑयल और साथ में ल्यूकोसिन के फॉर्म में है. एक फ्लैजेलम इसमें मेल गैमेट में ही होता है, अदरवाइज फ्लैजेला आर एब्सेंट. ओनली वन फ्लैजेलम इज प्रेजेंट इन द मेल गैमेट एंड दैट इज ऑल्सो इंसर्टेड एंटीरियरली. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज वेरी यूनिक टाइप एंड टेक्स प्लेस बाय द फॉर्मेशन ऑफ वेरी स्पेशल टाइप ऑफ स्पोर जिसको हम कहते हैं ऑक्सोस्पोर. ऑक्सोस्पोर कैरेक्टरिस्टिक फीचर ही इस ग्रुप का है बैसिलेरियोफाइटा का. और ये इकोनॉमिकली ये ग्रुप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. नाउ वी कम टू क्राइसोफाइटा ऑरेंज ब्राउन एल्गी. दीज ऑरेंज ब्राउन एल्गी आर फ्रेश वाटर और मैरीन एंड दे कंटेन फाइकोक्राइसिन एंड एक्सेसरी पिगमेंट. इनमें एक एक्स्ट्रा पिगमेंट होता है जिसको फाइकोक्राइसिन कहते हैं एंड इसकी वजह से इनका जो कलर है वो ऑरेंज ब्राउन दिखाई पड़ता है. अदरवाइज इसमें जो बाकी पिगमेंट्स हैं दे आर क्लोरोफिल ए, बीटा कैरोटीन एंड थोड़े और ज़ेंथोफिल्स होते हैं. रिजर्व फूड मटेरियल इज ऑलवेज ऑयल या क्राइसोलेमिनरिन या ल्यूकोसिन के फॉर्म में होगा. सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फिर इसमें बहुत रेयरली प्रेजेंट है और अगर प्रेजेंट है तो वो आइसोगेमस टाइप का है. फ्लैजेला प्रेजेंट होते हैं तो वो एक या दो फ्लैजेला होते हैं जो कि सिमिलर साइज के नहीं होते. वो अनइक्वल होते हैं, एंटीरियरली प्रेजेंट हैं, बोथ विप्लैश और या तो फिर एक विप्लैश होगा या एक टिंसल टाइप का होगा. ये क्रिप्टोफाइटा अनदर अनइम्पॉर्टेंट ग्रुप, नॉट वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप. दीज आर फ्रेश वाटर एंड मैरीन एल्गी. दे हैव डाइवर्स कलर, ब्राउन, रेड और ऑलिव ग्रीन एंड दे कंटेन क्लोरोफिल ए विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फोटोसिंथेसिस.
कैरोटीन्स भी प्रेजेंट हैं इसमें और थोड़े से ज़ैंथोफिल्स प्रेजेंट होते हैं. रिजर्व फूड मटेरियल स्टार्च के फॉर्म में है. फ्लैजेला मोस्टली टू दैट आर अनइक्वल फ्लैजेला है. एंड रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस मोस्टली बाय वेजिटेटिव मेथड्स. सबसे ज्यादा कॉमन मेथड ऑफ रिप्रोडक्शन इज वेजिटेटिव. एंड सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बहुत रेयरली प्रेजेंट होता है, अगर होता है तो आइसोगेमस टाइप का है. नाउ वी कम टू टू वेरी इंपॉर्टेंट ग्रुप्स. दिस इज फियोफाइटा द ब्राउन एल्गी. ब्राउन एल्गी जनरली समुद्र में मिलती है, कुछ थोड़ी सी फ्रेश वाटर होती है. और अगर आप बॉम्बे या कहीं इस तरफ चले जाइए तो आपको गेटवे ऑफ इंडिया के पास ही ये फियोफाइसी के मेंबर्स ग्रो करते दिखेंगे. एंड प्लांट बॉडी वेरी कॉम्प्लिकेटेड लार्ज प्लांट बॉडी होती है, क्योंकि मैरीन वाटर में सॉल्ट की क्वांटिटी बहुत ज्यादा होती है. दैट्स व्हाई दे ग्रो इनटू वेरी लार्ज साइज. सो दीज आर नोन एज सी वीड्स, इसीलिए इनको सी वीड्स भी कहते हैं हम. ये आप डायग्राम से पहचान रहे होंगे कि ये एल्गी बड़े लार्ज साइज की दिखाई पड़ती हैं. इनमें क्लोरोफिल ए प्रेजेंट है लेकिन बी एब्सेंट है. इंस्टेड क्लोरोफिल सी इज देयर. बीटा कैरोटीन प्रेजेंट है और ज़ैंथोफिल्स स्पेशली फ्यूकोज़ैंथिन. फ्यूकोज़ैंथिन इज ए ब्राउन पिगमेंट विच इज प्रेजेंट इन लार्ज क्वांटिटी एंड इट इम्पार्ट्स ब्राउन कलर टू दीज एल्गी. ये एल्गी देखने में ग्रीन नहीं लगती है, ब्राउन कलर की दिखाई पड़ती है बिकॉज ऑफ द एक्सेसिव अमाउंट ऑफ फाइको फ्यूकोज़ैंथिन. रिजर्व फूड मटेरियल एज आई टोल्ड यू अर्लियर लेमिनरिन और मैनिटॉल अल्कोहल के फॉर्म में है. लेमिनरिन इज ए पॉलीसेकेराइड एंड एन अल्कोहल. सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज, बट इन एडिशन टू सेलुलोज आल्जिनिक एंड फ्यूसिनिक एसिड आर ऑल्सो प्रेजेंट विच आर एबसेंट इन अदर ग्रुप्स. फ्लैजेला प्रेजेंट इन रिप्रोडक्टिव सेल्स ओनली. दे आर टू इन नंबर एंड आर लेटरली इंसर्टेड. एंटीरियर फ्लैजेला नहीं होते, लेटरल साइड से फ्लैजेला होते हैं. एंड वन इज विप्लैश टाइप एंड अदर इज टिंसल टाइप. दे आर अनइक्वल. एक आगे की तरफ को डायरेक्टेड होता है, दूसरा पीछे की तरफ को होता है. एक टिंसल टाइप है, एक विप्लैश टाइप है. रिप्रोडक्शन आइसोगेमस से लेके ऊगेमस तक अलग अलग जनरा में होता है. किसी में आइसोगेमस है, किसी में एनाइसोगेमस है, किसी में ऊगेमस है. एंड द लास्ट ग्रुप इज रोडोफाइटा द रेड एल्गी. यू कैन सी द रेड कलर ऑफ दीज एल्गी. दे डोंट अपीयर ग्रीन इन कलर. क्योंकि क्या बात है कि जो इनका क्लोरोफिल पिगमेंट है उसके ऊपर इसमें स्पेशल पिगमेंट फाइको इरिथ्रिन की क्वांटिटी बहुत ज्यादा हो जाती है, जो कि क्लोरोफिल को ढक देता है और ये लाल रंग की दिखाई पड़ती है. उस समुद्र का पानी भी वहां पर लाल दिखाई पड़ता है बिकॉज ऑफ द प्रेजेंस ऑफ दिस फाइको इरिथ्रिन. तो मोस्टली ये एल्गी मैरीन है, समुद्र में मिलती है. थोड़ी सी एल्गी ऐसी है जो फ्रेश वाटर है. थैलस इसका बहुत ऑर्गेनाइज और बहुत ही कॉम्प्लेक्स हाईली एडवांस टाइप का है. पिगमेंट्स इसमें क्लोरोफिल ए एंड यू रिमेम्बर दैट इंस्टेड ऑफ क्लोरोफिल बी एंड सी नाउ डी. द कैरेक्टरिस्टिक फीचर इज द प्रेजेंस ऑफ क्लोरोफिल ए एंड डी एंड अल्फा एंड बीटा कैरोटीन. सम ज़ैंथोफिल्स, दीज आर द इम्पोर्टेंट ज़ैंथोफिल्स, ल्यूटीन एंड टेराज़ैंथिन. मोस्ट इम्पोर्टेंट पिगमेंट्स आर बायलोप्रोटीन्स एंड अमंग दीज बायलोप्रोटीन्स दे फाइकोसाइनिन and phycoerythrin. The quantity of phycoerythrin is more, which imparts red color to these algae. Reserve food material, a kind of starch known as Floridian starch, and flagella are absent, which is very important feature. Flagella is absent hai, and sexual reproduction is very advanced and very complex type ka. Isme sexual reproduction hai, and always oogamous type of reproduction. That is all about the classification.